हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के डायरेक्टर रूसो ब्रोस ने रेड स्कल को लेकर कुछ कहा है। उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि रेड स्कल एवेंजर्स 4 या एवेंजर्स 4 के बाद की मूवीज़ में एक मेजर रोल के साथ में दिख सकता है। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि रूसो ब्रोस ने रेड स्कल को लेकर क्या बोला है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर का मेन विलन रेड स्कल, जो कि हाइड्रा का एक फॉर्मर हेड था और वो सुपर सोल्जर सीरम की वजह से रेड स्कल बन गया था। मूवी के एंड में जब रेड स्कल टेसरेक्ट यानी कि स्पेस स्टोन को हाथ लगाता है, यानी कि वो उसकी पावर को गेन करना चाहता है, तो उसी वक्त वो वहाँ से एक मिस्टीरियस तरीके से डिसअपियर हो जाता है। हम फैंस को यह पता नहीं चला कि एक्चुअली में रेड स्कल के साथ में हुआ क्या था। वो मर गया था या फिर कहीं टेलीपोर्ट हुआ था या अभी भी जिंदा था। ये क्वेश्चन एमसीयू में एक बिगेस्ट मिस्ट्री बन चुका था, जब तक कि हमने इन्फिनिटी वॉर में रेड स्कल की अपीयरेंस नहीं देखी। इन्फिनिटी वॉर में इसे एक्सप्लेन किया गया कि स्पेस स्टोन ने उसे वोरमीर पर भेज दिया था, जहाँ पर वो सोल स्टोन का गार्ड बना हुआ था। सोल स्टोन के पास रहते रहते उसे कुछ पावर्स भी मिली थी, जिससे वो किसी को भी पहचान सकता था, और ये हम इन्फिनिटी वॉर में देख ही चुके हैं। जब वो थैनोस और गमोरा से मिलता है तो उन्हें पहचान जाता है देखते ही, और उनका नाम भी लेता है। तो हम जानते हैं कि थैनोस इससे पहले ना तो कभी रेड स्कल से मिला था और ना ही रेड स्कल कभी थैनोस से मिला था। तो जब एक इंटरव्यू में रूसो ब्रोस से पूछा गया कि थैनोस ने वोरमीर से सोल स्टोन तो ले लिया है, तो अब रेड स्कल का क्या होगा, तो रूसो ब्रोस ने कहा कि रेड स्कल अब फ्री है, यानी वो चाहे तो वोरमीर को छोड़ सकता है क्योंकि अब वहाँ पे सोल स्टोन नहीं है। उन्होंने एक बात और कही कि रेड स्कल का शुरू से ही एक ही मकसद था कि वो भी इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को हासिल करें, और अब हो सकता है कि वो फिर से ये काम करें। इन सभी बातों से एक बात और कन्फर्म होती है कि रेड स्कल थैनोस के स्नैप से बच गया था, यानी कि वो थैनोस के स्नैप से अभी तक जिंदा है। रेड स्कल ने कहा था कि सभी इन्फिनिटी स्टोन्स अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन सोल स्टोन सबसे अलग है। ये समझता है कि इसका यूज़ कौन कर रहा है, और ये बातें थैनोस को भी पता नहीं थी। और रेड स्कल इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बहुत कुछ जानता है, और अब जब हमें एमसीयू ने ये दिखा दिया है कि रेड स्कल अभी तक जिंदा है, तो एमसीयू के पास में उसके फ्यूचर के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। और रूसो ब्रोस की ये बातें इसी तरफ इशारा करती हैं कि रेड स्कल हमें एवेंजर्स 4 में एक मेजर रोल में दिखेगा। अब शायद वो विलियन के तौर पर दिखे या फिर हमारे हीरोज़ की हेल्प करता हुआ, लेकिन कोई न कोई रोल जरूर होगा। तो इतने सालों के बाद हमें रेड स्कल वापस दिखाया गया है, तो इस बात में बहुत ज़्यादा चांस है कि हमें रेड स्कल एवेंजर्स 4 या एवेंजर्स 4 के बाद की मूवीज़ में कहीं ना कहीं दिखाया जरूर जाएगा। तो अब आप क्या सोचते हो इसके बारे में कि रेड स्कल हमें एवेंजर्स 4 में दिखेगा या फिर नहीं, प्लीज़ अपना कमेंट जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।